बेगूसराय में मुखिया अपनी मांगों के समर्थन में पंचायत अधिकार सम्मेलन का आयोजन कर बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर अपना बिगुल फूंक दिया है। जहां इस आंदोलन में बेगूसराय के पन्नास गार्डन में आयोजित सम्मेलन में मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन का उद्घाटन पूर्व सांसद रामजीवन सिंह, मुखिया संघ के अध्यक्ष मोहम्मद अहसन व मुखिया संघ के जिला महासचिव राष्ट्रपति कुमार बिड्डू व अन्य अतिथियों के द्वारा सामूहिक रूप से दीप जलाकर किया गया। इस सम्मेलन के माध्यम से मुखिया संघ ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार से ग्राम सभा के 29 अधिकारों को फिर से ग्राम सभा को सौंपने सहित अन्य 19 मांगों को लेकर यह सम्मेलन किया। इस दौरान आगत अतिथियों का मुखिया संघ के जिला महासचिव व राष्ट्रपति कुमार के द्वारा चादर व बूके से सम्मानित किया गया। मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने कहा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार ग्राम पंचायत के 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप प्रदत्त 29 अधिकारों को धीरे धीरे समाप्त कर दिया है। बेगूसराय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए पूरे बिहार के मुखिया यहाँ एकजुट हुए हैं। मुखिया संघ के द्वारा 73वें संविधान संशोधन के तहत 29 अधिकारों को ग्राम सभा को सौंपने व ग्राम सभा से पारित निर्णय के 100% पालन करने और ग्राम सभा से चयनित योजना को प्राथमिकता देना और पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों को मानदेय भत्ता देना, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन का पूर्ण अधिकार पंचायत को देना, जहां जनप्रतिनिधियों की हत्या पर खासकर मुखिया के परिजनों को 50 लाख मुआवजा देना, मुख्यमंत्री नल जल योजना का कार्य पीएचडी से हटकर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंध समिति के हवाले करना, 7 निश्चय पार्ट 2 को पुनः वार्ड सदस्यों से करवाने समेत 19 मांगों को लेकर यह सम्मेलन आयोजित किया गया।